కి శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ భక్త హనుమానికి జగద్గురు శిల ప్రభుపాదికి నితాయి గౌర ప్రేమానంద ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీమద్ భగవద్గీత యథారూప్ అధ్యాయ 5 శ్లోక్ క్రమాంక్ 24 అధ్యాయ కా నామ కర్మయోగ్ కృష్ణ భావనా భావిత్ కర్మ. యః అంత సుఖ అంత ఆరామ యః అంత సుఖ అంత ఆరామ తథా అంత జ్యోతి ఏవయా సహయోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణం సహయోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూత అధిగచ్చతి బ్రహ్మభూత అధిగచ్చతి. कृपया दोहराइए. अंत सुख अंत राम तयोति सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छते వర్డ్ బోలే బోలే సుఖ అంత రామ తథా అంత జ్యోతి సహయోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూత అధిగచ్చతి. యాంత సుఖాందారామ తథా అంత జ్యోతి ఏవయా సయోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణ బ్రహ్మభూతాదిగచ్చ. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్. యహ జో అంత సుఖ अंतर में सुखी अंत आराम अंतर में रमन करने वाला अंतर्मुखी तथा और अंत ज्योति भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए एव निश्चय ही यह जो कोई సహ వహ యోగీ యోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణం పరబ్రహ్మ మే ముక్తి బ్రహ్మభూత స్వరూప్ సిద్ధ అధిగచ్చతి ప్రాప్త కర్తా హై. అనువాద ఔర్ తాత్పర్య ఏసీ భక్తి వదాన్ స్వామి శిల ప్రభుపాద్ ద్వారా శిల ప్రభుపాద్ కి జయ. అనువాద్.
जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतद्गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। कृपया दोहराइए, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतद्गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधिवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय के श्लोक क्रमांक 24। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना मृत में रहते हुए किस तरह से भगवान के लिए कर्म किया जाए, इस अध्याय में बताया गया है। और इस श्लोक में भगवान बताते हैं उस योगी के बारे में कि जो अंतःकरण में ही सुख को प्राप्त करता है, अपने आप में ही रमन करता है, अपने आप में ही आनंद रहता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, जो अपने आप में शांति का अनुभव करता है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में आया है, तो भक्तों के भी कई स्तर होते हैं। जैसे कनिष्ठ अधिकारी है, फिर उसके ऊपर होता है मध्यम अधिकारी है, फिर उसके ऊपर उत्तम अधिकारी है। जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ भक्त है, मंदिर में आता है,
मंदिर में आता है लेकिन उसकी श्रद्धा सिर्फ विग्रह में होती है, भगवान के अर्चा विग्रह में होती है। भगवान के अर्चा विग्रह को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, और लेकिन भक्तों में उसकी श्रद्धा नहीं होती, भक्तों को प्रणाम नहीं करता, भक्तों से भक्तों के पास नहीं आता, भक्तों से कुछ पूछता नहीं, भक्तों से जिज्ञासा नहीं करता। उसकी श्रद्धा सिर्फ भगवान के अर्चा विग्रह में होती है। ये कनिष्ठ अधिकारी है। जो मध्यम अधिकारी है, जो मध्यम भक्त है, वो जानता है कि भगवान का भक्त कौन है और अभक्त में क्या अंतर है, और उसकी श्रद्धा साधु संतों में होती है, भगवान के विग्रह में भी होती है, और वो शास्त्रों को भली भांति समझता है और शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है। इसे मध्यम अधिकारी कहते हैं। जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम लेवल का भक्त है, वो सभी को कृष्ण भक्त देखता है। चींटी से लेकर हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जीव इस पृथ्वी पे है, वो सोचता है कि सभी जीव जो हैं कृष्ण के भक्त हैं। सभी जीवों को कृष्ण भक्त देखता है और सोचता है कि ये सभी कृष्ण की सेवा में लगे हैं, लेकिन मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह आप जब देखेंगे कि कोई भी राधाराज बिहारी के पास आता है और प्रार्थना करता है भगवान से, तो हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई जपता है तो राधा रानी भगवान से कहती है कि ये मुझसे अच्छा भक्त है, इसको स्वीकार कर लीजिए, ये मुझसे अच्छा भक्ति करता है, ये मुझसे अच्छी सेवा करता है आपकी, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान राधा रानी की बात को मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो उत्तम भक्त का ये लक्षण है, वो खुद को नीचा समझते हुए और दूसरों को ऊँचा समझता है। और उत्तम भक्त जो है उसके बारे में बताया गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा अपने आप में प्रसन्न रहता है, उसकी इंद्रियां, सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। उसे कभी कभी कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाता है, कभी कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता, फिर भी संतुष्ट रहता है। हाँ, आप देखेंगे अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें बताया गया है कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ये उत्तम भक्त के लक्षण यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है उसके लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त जो है सदैव कुसंगति से दूर रहता है। कुसंगति मतलब, कुसंगति का अर्थ है ऐसे लोगों से दूर रहता है जो भगवान से विमुख है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते। और ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्त है ऐसे लोगों के पास जाता है लेकिन प्रचार करने के उद्देश्य से, उन्हें भगवत भक्ति के बारे में बताने के उद्देश्य से, जैसे हमारे हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी गए थे और उन्हें अपना संग प्रदान किया उन्होंने। उत्तम भक्त अपना संग प्रदान करते हैं अभक्तों को, उनका संग लेते नहीं। और आगे बताया गया है कि कभी कभी भक्त की निंदा की जाती है तो कभी प्रशंसा की जाती है। कभी कभी आप लोग जैसे भक्त लोग प्रचार में जाते हैं तो कभी कभी बहुत प्रशंसा होती है, बहुत तारीफ होती है और बहुत स्वागत आदर सत्कार किया जाता है, तो कभी कभी तो बहुत निंदा अपमान सहना पड़ता है। लेकिन जो उत्तम भक्त है ऐसे मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। अब देखेंगे भौतिक जगत में अगर किसी का अपमान कर दिया जाए, व्यक्ति दूर खड़ा है, बस शब्दों के द्वारा शब्द बेधी बाण चला दिया जाए, कुछ उसको ऐसे अपशब्द बोल दिए जाए, तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और वो मारपीट करने के लिए उतारू हो जाएगा, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएगा। लेकिन उत्तम भक्त जो होता है
उसको कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, लेकिन वो इससे परे होता है, इसमें लिप्त नहीं होता। और आगे बताते हैं कि वह अत्यंत धैर्यवान होता है। धैर्यवान होना बहुत जरूरी है भक्ति में। अगर आपके पास धीरज नहीं है, कई लोग आते हैं भक्ति जीवन में तो भावुकता वक्ष आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत भाव प्रकट करेंगे, लेकिन धीरे 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 डाउन हो जाते हैं। क्यों? फिर बोलते हैं प्रभु जी नहीं हो रहा है, प्रभु जी क्या करूं, प्रभु जी बहुत काम क्रोध बहुत सता रहा है अंदर से। लेकिन यहाँ पे उत्तम भक्त का लक्षण बताया गया है कि वो धैर्यवान होता है। भगवान बोलते हैं 2 अध्याय के 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सितो सुख न सुख दुखदा आगमा पायन नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख, ठंडी तथा गर्मी, मान अपमान, ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इनको सहन करना सीखो। तो भक्त धैर्यवान होता है, धैर्य धीरज रखते हुए, मान अपमान को सहते हुए, सर्दी गर्मी को सहते हुए वो आगे बढ़ता है। क्योंकि ये 2 मिनट का रास्ता नहीं है कि आप आया और तुरंत भगवान को दर्शन किया और तुरंत भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है। तो भक्त धैर्यवान होता है। बहुत बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है कि वासुदेव ही, भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के परम कारण है, वह ऐसा जानकर मेरी शरण में आता है। तो भगवान बोलते हैं अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, हम लोग क्या सोचते हैं इसी जन्म में भी मिल सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप 4 नियम पालन करते हैं और ध्यान पूर्वक 16 माला जप करते हैं और विधि शास्त्रों के नियम का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो मैं इसी जीवन में आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा, कन्फर्म है। लेकिन इसमें भी धीरज की जरूरत है, उतावला नहीं होना है। कई लोग आते हैं थोड़ा समय करते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनका भी कुछ हानि नहीं है इसमें। अर्जुन ने कहा कि जो भक्ति योगी है अगर भक्ति से गिर जाते हैं तो उसकी क्या गति है, तो भगवान ने कहा नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में कोई हानि नहीं है, जो भक्ति मार्ग में चलता है, थोड़ी बहुत भी भक्ति कर लिया अपने जीवन में, थोड़ा बहुत भी हरे कृष्ण महामंत्र जप लिया, तो कोई नुकसान नहीं है। फिर अगले जीवन में क्या होगा, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जो भक्ति पद से नीचे गिर गया, माया में चला गया, माया में गिर गया, तो अगले जन्म में किसी पुण्यवान व्यक्ति के घर में, ब्राह्मण के घर में, भक्त के घर में, या उच्च कुल के धनी परिवार में फिर से जन्म लेगा, फिर से जन्म लेगा, और जहां से भक्ति छोड़ी थी फिर से वहीं शुरू करेगा। 1% किया था फिर से 2% से चालू होगा। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है। बस क्या करना है, हमको सदा जपते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको निरंतर जपते रहना, इसमें क्या नुकसान है, कुछ नुकसान नहीं है। हम कुछ भी अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग कुछ भी लेते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है और बहुत समय भी देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं देना है, बस मुख से भगवान का नाम लेना है। व्यक्ति फिल्मी गाने गुनगुनाते रहता है, उसी तरह हमको भगवान का नाम गुनगुनाना है, कोई नुकसान नहीं है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं जो शुद्ध भक्त है वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है भगवान के बारे में
सिर्फ भगवान के बारे में बोलता है, किसी से मिलता है तो उसको भी भगवान के बारे में ही बताता है, भगवान कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। हम देखेंगे श्री डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन में हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, भगवद्गीता के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया, और उनके जीवन में वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस रहे और दूसरों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया और दूसरों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचते थे, बस उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान कृष्ण की सेवा करना और बद्ध जीवों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में फिर से जोड़ा जाए। जो भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, घुमायमान हो रहे हैं, उन बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में कैसे जोड़ा जाए और कैसे भगवत धाम लेके जाया जाए और कैसे गीता का ज्ञान दिया जाए, ये प्रभुपाद के जीवन का लक्ष्य था। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। भक्त के, उत्तम भक्त के बारे में बता रहे, देखिए, कभी स्वादिष्ट भोजन मिलता है, कभी स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है और कभी नहीं मिलता है, फिर भी सुखी रहता है, फिर भी आनंद में रहता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या, हमको बस स्वादिष्ट चाहिए, मनुष्य को बस स्वादिष्ट चाहिए, उसको थोड़ा स्वादिष्ट नहीं मिला तो पसंद नहीं करेगा, उसका मन उदास हो जाएगा। लेकिन उत्तम भक्त किसी भी परिस्थिति में सुखी रहता है। आप देखेंगे नारियल जो होता है, नारियल के अंदर जब नारियल एकदम सूख जाता है तो नारियल के कवच से, नारियल के खोल से अलग हो जाता है। आपने देखा होगा, आप हिलाएंगे तो नारियल हिलेगा अंदर, और जो अभी पका हुआ नहीं है बराबर, वो चिपका रहता है नारियल में, उसको तोड़ के जबरदस्ती निकालना पड़ता है, चाकू से निकालना पड़ता है। तो इसी तरह मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, एक बद्ध जीव है, एक उत्तम भक्त है। जो शुद्ध भक्त है, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहता है, शरीर में है, पांच तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल शरीर है। तीन तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार। सभी को मालूम है कि मेरा मन है, आप सभी को मालूम है कि आपका अपना अपना मन है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। इन तत्वों से पांच, तीन, आठ, आठ तत्वों से आत्मा, आत्मा सोल जो है कवर है बॉडी के अंदर, आत्मा जो कवर है। लेकिन जो शुद्ध पुरुष है वो जानता है, जो शुद्ध भक्त वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो है सच्चिदानंद विग्रह है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता, अजो अपि नित्यम, नित्य है, शाश्वत है। भगवान बोलते हैं, देही न स्मृथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नमुहति। जिस तरह तुम बालक के शरीर में थे, कुमार के शरीर में हुए, युवा के शरीर में हुए, फिर वृद्धावस्था, शरीर इसी जीवन में कितना बदल गया। अब इस मनुष्य इसी जीवन में समझ सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बचपन का शरीर कहाँ है, चला गया, कुमारपन का शरीर कहाँ है, चला गया, युवावस्था का शरीर भी अभी सब जवान है, चला जाएगा, फिर तो बुढ़ापा आएगा। शरीर इसी जीवन में कितना बदल जाता है, शरीर एक यंत्र की भांति है, नई कार कोई लेता है, नई गाड़ी लेता है, लेकिन नई गाड़ी एक दिन पुरानी हो जाती है, कितने दिन चलेगी, फिर एक कबाड़ खाने में दिखती है आपको, कबाड़ खाने में नजर आएगी। इसी तरह ये शरीर है, शरीर मृत हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, फिर भी हमारी आसक्ति शरीर से, मनुष्य की आसक्ति बहुत है, बहुत आसक्ति है, शरीर को सजाता है, नए नए कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है, कहाँ कहाँ शरीर को सजाने के लिए क्या क्या करता है। आप देखेंगे शरीर बहुत गंदा है, जब व्यक्ति रात में सोता है तो उसको मालूम नहीं कि मैं कहाँ सोया हूँ, मुंह से लार टपकती है,
उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं ये गांव का रहने वाला हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं मेरे माता पिता ये हैं, मैं कुछ भी मालूम नहीं, सो गया और सपने में खो जाता है। फिर सुबह उठता है, मुंह से बदबू, ब्रश करना पड़ता है, आँख से कीचड़ निकलता है, कितनी गंदगी निकलती है। फिर शरीर को ब्रश करता है, नहलाता है, धुलाता है, साबुन लगाता है, फिर आता है, कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है, कितना सजाता धजाता है, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि ये शरीर जो है सभी दुखों का कारण यही है। ये शरीर 84 लाख योनियों में से एक बार मिला है, अगर इसको हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो ये भी व्यर्थ चला जाएगा। फिर मनुष्य को घूमना पड़ेगा, कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी कुछ बन के। तो इस संसार में दुख है और दुख क्यों है? मनुष्य की मूर्खता के कारण इस संसार में दुख है। भगवान तो चाहते हैं कि लोग सुखी रहे, और भगवान आते भी हैं। भगवान बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, पृथ्वी पर आता हूँ और सब कुछ सही करके जाता हूँ, गीता का ज्ञान बता के जाता हूँ, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, सब कुछ सिखा के जाता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ के लोग उसको बिगाड़ देते हैं। मैं ज्ञान दे के जाता हूँ गीता का, उसको बदल देते हैं। तो ये संसार में दुख है, वो मनुष्य की मूर्खता के कारण है। भगवान को दोष देते हैं। अगर भगवान है तो कुछ करता क्यों नहीं? भगवान है तो लोग इतने दुखी हैं? भगवान है और कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहा है, इधर लोग मर रहे हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, इसलिए बजा रहे हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण उसी की हेल्प करेंगे जो हेल्प चाहता है, भगवान उसी की मदद करेंगे जो मदद चाहता है। भगवान सबकी मदद, इस संसार पूरे संसार को बदलना बहुत मुश्किल है, उसी की मदद की जा सकती है जो हेल्प मदद चाहता है। इसमें एक दृष्टांत देता हूँ मैं। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। राजा एक दिन शिकार पे गया, शिकार खेलने, और उसके पैर में कांटे धस गए, जंगल में कांटे धस गए। वापस आया, मंत्री को बोला, मंत्री, बोले जी सरकार, कल जब मैं शिकार खेलने जाऊं तो पूरे जंगल में कारपेट बिछा होना चाहिए ताकि मुझे कांटे ना धसे। बोले जी सरकार, जरूर, कल आप जाइएगा तो कारपेट बिछा मिलेगा आपको जी। दूसरे दिन भी गया शिकार खेलने के लिए, कारपेट नहीं बिछा था, दूसरे दिन भी कांटा धस गया उसको शिकार खेलते हुए। फिर आया गुस्से में, मंत्री के ऊपर चलाया, मंत्री तुझे बोला था कारपेट बिछाने के लिए, कारपेट बिछाया क्यों नहीं? मंत्री ने क्या किया, उसके सामने जूते ला के रख दिए, ये लीजिए सरकार, जिधर पैर रखेंगे उधर कारपेट बिछ जाएगा, पूरे जंगल में कारपेट बिछाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह उसी की मदद की जा सकती है। पूरे संसार के लोगों को नहीं बदला जा सकता, पूरे संसार के लोगों को नहीं बदला जा सकता। जो जूते पहनना चाहता है, जो कांटों से बचना चाहता है, उसी को जूते दिए जा सकते हैं, जो इस्कॉन मूवमेंट करता है, कृष्ण भावना मित मूवमेंट करता है, सभी के पास जाता है, लेकिन जो हेल्प चाहता है वो हम उसकी मदद करते हैं, और जो हेल्प नहीं चाहता जंगल में घूमता है, कांटे दस्ते हैं फिर भी नहीं सीखता। एक और उदाहरण दिया जा सकता है। इस संसार में दुख है, और इस संसार को बदलने के लिए जब भगवान आते हैं, भगवान गीता का ज्ञान दे के जाते हैं, और गीता का ज्ञान दे के जाते हैं, वो अहंकारी लोगों के हाथ में पड़ जाता है। गीता का ज्ञान जैसे दूध है, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दूध पीने से हेल्थ बनती है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसी दूध को जब सांप टच करके जाए तो जहरीला हो जाता है और उसे आप पीने से मर जाएंगे। इसी तरह जब भगवद गीता का ज्ञान भगवान दे के जाते हैं तो ऐसे दुष्ट लोगों के हाथों में पड़ जाता है जो गीता के ज्ञान को बदल देते हैं। भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत्तम सर्वम परवर्तते। भगवान बोल वो दुष्ट लोग बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है,
गीता में भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, दुष्ट लोग बदल देते हैं उसको, फिर वो क्या हो जाता है, जहरीला बन जाता है। फिर वो ज्ञान कोई लेता है तो क्या बोला महाप्रभु ने, मायावाद भाष्य सुन ले हवे सर्वनाश। जब कोई मायावाद भाष्य सुनता है तो उसका क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। अभी वो बोलेगा कि गीता तो भगवान बता के गए थे भाई, इसको लेने से तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन भगवान ने जैसा बताया वैसा दिया नहीं गया, इसलिए हमको फायदा नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, न मुंह डालूंगा दूध में न किसी को डालने दूंगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने निकाला यथारूप। जब इस ज्ञान को इस्कॉन के भक्त पीते हैं, इस ज्ञान को इस्कॉन के भक्त पढ़ते हैं तो देखिए कहीं भी लड़ाई नहीं होती। कभी कभी लोग प्रयास करते हैं लेकिन आप देखिए इस्कॉन में कहीं भी लड़ाई नहीं होती। आपने कभी सुना कि इस्कॉन के भक्तों ने कहीं बम फोड़ दिया हो, इस्कॉन के भक्तों ने कहीं दो चार मुसलमानों का सर कलम कर दिया हो? कभी नहीं। हमारे रसिया में इस्कॉन के भक्तों पर कितने अत्याचार हुए, कितना सताया गया उनको, फिर भी उन्होंने प्रेम करना सिखाया। ये वास्तविक गीता का ज्ञान है जो इस्कॉन प्रदान करता है। बाकी वही है जहरीले लोग और बांट रहे हैं और लोग मर रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और मेरा नुकसान हो गया, मैंने पढ़ा तो एक बार क्या हुआ, जब कुछ महीने पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया, पटना का रेलवे जंक्शन पूरा नया बनवा दिया। पटना के बिहार में चलने वाली सभी ट्रेनों में अच्छे अच्छे पंखे, अच्छी सीट, फर्स्ट क्लास, हाई क्लास सब लगा दिया, अच्छी अच्छी टकाटक व्यवस्था कर दी। फिर क्या हुआ, एक महीने बाद फिर पुराना हो गया। कोई ट्रेन का पंखा निकाल के ले गया तो कोई पटरी उखाड़ के ले गया, और यहाँ तक कि जिस सीट पर बैठते हैं वो सीट भी उखाड़ के ले गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे कुछ अच्छा भी करने जाओ तो लोग बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं इस संसार में, इसलिए सरकार ने जेल बना के रखी है कि जो सरकार के नियम को तोड़ेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए भगवान ने भी यह संसार बना के रखा है। ऐसा मत सोचिए कि एक ही संसार है, दो संसार है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। जो सुधर जाता है, भगवान के नियम को पालन करता है, वो आध्यात्मिक जगत को भेज दिया जाता है। भगवान बोलते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवा न निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम। जब वहाँ कोई पहुँच जाता है तो फिर वापस नहीं आता, वहाँ आनंद में रहते हैं लोग, चिन्मय आनंदमय जगत है, वहाँ दुख नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। ये मृत्यु जगत है, भौतिक जगत है। तो जो भगवान के नियम को मानते हैं वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, और जो नहीं मानते वो वहाँ पर रख दिए जाते हैं। यहीं पे रहो, लड़ते रहो, मैं हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, और कहीं देखो तो मुसलमान से लड़ रहा है। मुसलमान के अंदर भी जाके देखो तो एक शिया सुन्नी से लड़ रहा है, उसके अंदर जाके देखो तो एक सुन्नी दूसरा सुन्नी से लड़ रहा है, उसके अंदर जाके देखो तो एक भाई दूसरा भाई से लड़ रहा है। हर जगह लड़ाई है। इस्या द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमहेन भारत, इस्या द्वेष जलन, इसके लिए सभी के मन में, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है इस संसार को बदलना। इस संसार तो एक और उदाहरण है मेरे, जैसे इससे समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार की हालत बहुत ही खराब थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत चिंतित थे कि बिहार को कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने जापान से मदद लेने का फैसला किया कि जापान से कुछ मदद लिया जाए। तो उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया और कहा कि हमारे बिहार की हालत बहुत खराब है, क्या आप उसको जापान की तरह बना सकते हैं? बोले हाँ, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं बिहार को जापान में बदल दूंगा, जापान बना दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव को फ़ोन किया, बोलते लालू जी, बोले क्या बात है? बोले बिहार तैयार है,
बोले किस लिए? वो आपके बिहार को जापान बना देगा, जापान तैयार है। बोले जापान बना देगा क्यों? बोले आपके बिहार की हालत बहुत ख़राब है, उसने वो 6 महीने में आपके पूरे बिहार को जापान बना देगा। तो लालू प्रसाद ने क्या कहा मालूम है? 6 महीने में बना देगा दत्त पूर्वक। वो 6 महीने में बना देगा, तुम मुझे 7 दिन के लिए जापान दे दो, मैं उसको बिहार बना दूंगा। तो जापान को बिहार बनाना आसान है, लेकिन बिहार को जापान बनाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह इस संसार को, संसार के लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी अच्छे से रहते हैं। अच्छा होगा, सबसे आसान क्या है? या तो बिहार में रहो या तो जापान में चले जाओ। आसान क्या है? जापान चले जाओ। अगर अच्छे से रहना है तो जापान चले जाओ, बिहार में क्यों रहना? तो इसे समझ सकते हैं कि अगर दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो इस संसार में क्यों रहना? भगवान के धाम चले जाओ और वहाँ पे रहो, आनंद में रहो, एकदम भगवान के पास रहो। चिंतामणि प्रकर सद मसुकल्प वृक्ष लक्षा वितेश सुरभीर पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहाँ पे अनगिनत कल्प वृक्ष हैं, अनगिनत सुरभि गायें हैं, जो मांगो वो मिलता है, सभी आनंद में रहते हैं, सभी भगवान की सेवा करके खुश रहते हैं। ये शरीर तो है, क्या है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस शरीर की आसक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए, घटाना चाहिए। अब देखेंगे कोई सुंदर दिखता है बहुत, कितने दिन तक दिखता है? सुंदरता खत्म हो जाती है। किसी के पास धन है, कितने दिन टिकता है? मृत्यु के बाद वो भी खत्म हो जाता है। किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, फिर भी शांत नहीं है, चिंतित है, शांति नहीं है मन में। शांति कैसे मिलेगी? भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षते। मुझे समस्त यज्ञों का भोक्ता परमेश्वर और हितैषी जानकर जो मेरी शरण में आता है उस वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। और जब शांति मिलेगी, भगवान की भक्ति होगी और अच्छे से भक्ति होगी, तो ब्रह्मभूत अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मभूत अवस्था जब प्राप्त की जाएगी, तब इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है, समय का अभाव है, तो एक ही चीज़ कहेंगे कि इस कलयुग में बिहार नारदी पुराण में बताया गया है कि वास्तविक शांति लाभ करने के लिए और भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो है हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरि के नाम के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल हरि का मार्ग ही आपको, इस हरि का नाम ही इस आपको इस दुखमय संसार से बचा सकता है। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संसार में सभी लोग, ये संसार सबको खींच रहा है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन भक्ति करेंगे तो ये आकर्षण खत्म हो जाएगा। ज्ञान की तलवार से आसक्ति के बंधन को काट दिया जाता है, मोह खत्म हो जाता है। जब ज्ञान, ये भगवद गीता का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारी सारी इंद्रियां संसार से विरक्त होकर भगवान की सेवा में लग जाएंगे और हम लोग वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो गीता के ज्ञान को ग्रहण कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का अपने जीवन में निरंतर उच्चारण कीजिए और अपना जीवन सुखमय आनंदमय और भगवान की सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, भगवान का पट खुलने वाला है, अभी दर्शन प्राप्त होंगे आपको, आप लोग आनंद से दर्शन लीजिए।